लोगों में पढ़ने की आदत डालने के लिए कोलकाता में एक अनूठी पहल की गई है। उत्तरोर अड्डा क्लब उत्तरी कोलकाता के देश बंधु पार्क में सड़क पर एक ओपन एयर लाइब्रेरी चलाता है। सितंबर 2022 में शुरू की गई ये लाइब्रेरी शहर भर के पुस्तक प्रेमियों की तरफ से दान की गई किताबों और मैगजीन से भरी हुई है। किताब अभी जिंदा है, किताब सबका मन में है, किताब लेके ही सबको सब कुछ हुआ है, किताब में पहन के ही सब बड़ा हुआ है। लेकिन अभी किताब किसी का हाथ में उठता नहीं, किसी का बैग में जाता नहीं, बच्चे लोग से बुरा लोग तक सभी मोबाइल में ही एक्सेस करता है। तो इसलिए वो किताब अभी जिंदा है, इसको फिर हम लोगों को सामने उपस्थापन के लिए ही ये स्ट्रीट के ऊपर लाइब्रेरी हुआ है। किसी को बांटता देने से अच्छा होगा कि किताब अभी जिंदा है। शाह का कहना है कि इस ओपन एयर लाइब्रेरी के लिए जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। ये लाइब्रेरी एक पार्क के करीब है जहां रोज सुबह बड़ी तादाद में लोग सैर करने आते हैं। कलकत्ता में बहुत सारे लाइब्रेरी है, अभी 100 साल के भी पुराना भी लाइब्रेरी है, लेकिन अभी वो चलता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई एक्सेस नहीं करता वही। तो यही सोच के किया है कि अभी किताब जिंदा है, इसलिए हम लोग देशबंधु पार्क के ठीक बहुत लोग आते हैं सारे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, बड़े बच्चे लोग बूढ़े लोग सभी लोग आते हैं। उसके पास भी चाय का दुकान है, इसमें कोई कोई अड्डा भी मारता है यहाँ पर। ओपन एयर लाइब्रेरी में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फिक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन किताबें, कॉमिक्स और धार्मिक पुस्तकें भी हैं। लाइब्रेरी में एक डेस्क और कुछ कुर्सियां रखी गई हैं, जहां लोग आकर न सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं बल्कि उनके विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।